नमस्ते दोस्तों, त्योहारों का समय है। आज हम मिल्क केक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है। उबलने देंगे इसे हम। दूध उबल चुका है, अब हम इसको चलाते हुए और पका देंगे। ट्वेंटी 5% दूध रिड्यूस होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच विनेगर या सिरका डाल देंगे। इससे दूध हमारा दानेदार बन जाएगा। 50% दूध रिड्यूस हो गया है और दूध में दाना भी बनने लगा है। विनेगर अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हमारा दूध से पानी का पार्ट अलग हो जाएगा, इसलिए विनेगर हमने हिसाब से ही डालना है। अब हम टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे, लेकिन चीनी हमने 2-3 बार करके डालनी है। चीनी इसमें पककर कैरेमलाइज होगी और थोड़ा कलर भी चेंज होगा। छींटा बाहर आने लगा है, इसलिए हम प्रॉपर डिस्टेंस रखकर इसे पकाएंगे। फिर से थोड़ी सी चीनी डालेंगे। बची हुई चीनी को भी हम डाल देंगे। फिर से पका लेंगे इसे हम। दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। अब 1 चम्मच देसी घी डालकर हम इसे और पका लेंगे। मिल्क केक ने घी को अच्छी तरह से छोड़ दिया है और कढ़ाई को से भी अलग हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ट्रे को हमने चिकना कर लिया है, अब हम इसमें मिल्क केक निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़ा इलायची पाउडर डाल देंगे। ट्रेन करते हुए इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तीज त्योहार पर बनाने के लिए दानेदार मिल्क केक तैयार है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना है ये। ऊपर से चांदी का वर्क लगाकर या सूखे मेवे डालकर सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।